अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त और भाई मेरे ठीक होंगे। आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मेरा मुर्गा बीमार था, उसके मैंने पहले काफ़ी दिन पहले काफ़ी मंथ पहले से बच्चे निकाले हुए थे और उसका एक पट्ठा तैयार हुआ। मैंने कहा आपको इसका शौक करवाता चलूँ और इसकी मैं खूबियाँ बताता चलूँ, जो जो बाप में निशानियाँ इसमें भी हैं और इसके मैं फ़र्क बताता चलूँ आपको। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों और दोस्तों से गुजारिश है कि जिनको वीडियो पसंद आए शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना, और जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि नई से नई वीडियो उनको मिलती रहे। और वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको इसका बाप और पट्ठे का और इसके मैं निशानियाँ बताऊँगा पट्ठे में और बाप में क्या फ़र्क है और इसकी खसूसियात बताऊँगा। आप पहले इसका बाप देखें जो काफ़ी दिन पहले बीमार हो गया था, मैंने अपने दोस्त को दिया था बच्चे निकालने के लिए और ये अब बेहतरीन है माशाल्लाह, अब ये ठीक है। और इसका मैंने पट्ठा अभी तैयार किया है काफ़ी दिन पहले से माशाल्लाह। इसका पट्ठा मेरे पास दो पट्ठे हैं, एक दूसरा वो भी आपको दिखाऊंगा। ये पट्ठा आप चेक करें, ये खूब अपने बाप की तरह है। इसका चेहरा शक्ल और इसका रंग भी तकरीबन बाप की तरह है। आप इसके चेहरा मुर्गे का देखें माशाल्लाह, गोल चेहरे वाला। और मुर्गे का आप चेहरा चेक करें, इसकी आंख मुर्गे की खूब बाप की तरह है। इसका चेहरा भी बाप की तरह है, गोल शक्ल वाला। और इसका जो आंख का रंग है आप देख ही रहेंगे अभी लाल है। ये ऐसा ऐसा जब बड़ा होगा तो इसके आंख का कलर भी चेंज होगा और इसकी शक्ल भी चेंज होगी ऐसा ऐसा। और इसकी आप नली देखें, नली आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई है और मजबूत नली और लंबी दरमियानी साइज़ की नली है, चूँज है मुर्गे की। सॉरी मैंने नली कह दी, चूँज है मुर्गे की। और उसके बाद इसका ताज देखें, ताज छोटा सा ताज थोड़ा सा ऊपर की तरफ खड़ा हुआ और लंबा थोड़ा सा ताज है इसका। शक्ल गोल शक्ल वाला मुर्गा है, छोटी गर्दन वाला और बेहतरीन नस्ल है। जो मैंने पहले भी आपको बताया था इसका बाप बहुत अच्छा ब्रीडर और बहुत अच्छा सील था मुर्गा। और इसके आप पल्ले चेक करें, बड़े पल्ले और घने पल्ले मुर्गे के। और इसके बाद इसकी मैं आपको दुम दिखाऊं तो दुम ये अभी निकाल रहा है मुर्गा। इसकी दुम चेक करें, अभी इसके दुम के बाल आ रहे हैं, बड़े बाल होंगे माशाल्लाह, लंबी दुम होगी मुर्गे की। इसके मजबूत जोड़ हैं माशाल्लाह, मजबूत ठुके हुए जोड़ हैं ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी मुर्गे के। छोटी सी गर्दन वाला और जोड़ गर्दन के मजबूत ठुके हुए गर्दन के भी जोड़ है। इसकी नली आपको दिखाऊं तो मुर्गे की नली आप चेक करें, साफ नली और खुरदनी नली वाला मुर्गा है। और इसके अभी कील थोड़े थोड़े निकले हुए हैं मुर्गे के, ये अभी निकाल रहा है कील। और जब इसकी मैं फाइटिंग करवाऊंगा तो आपको इसकी फाइटिंग की वीडियो लाजमी दिखाऊंगा। मुर्गा आप चेक करें माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुर्गा निकला है मेरे पास पट्ठा। और इसकी माँ की भी मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा और दिखाऊंगा इसकी माँ कौन सी है। और मज़ीद मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।